और आप तक नहीं पहुंचेगा। तो इस चीज को ध्यान रखा जाएगा, छी कार्य को आप ऐसे भी होता है थोड़ा जिम्मेदार नागरिक बने, ये थोड़ी ट्रेनिंग दें। और हमारे यहाँ और जो खाद्य सुरक्षा एवं अग्रिम अधिकारी की जो टीम है उसको देखेगी और सबको एक मेंटल आपको बता दिया जाएगा, जो फार्मासिस्ट दुकानें हैं उनको बता दिया जाएगा कि ऐसे न करें। और साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है कि लोग भी हैं हमारे यहाँ और जो खाद्य सुरक्षा एवं अग्रिम अधिकारी की जो टीम है उसको देखेगी और सबको एक मेंटल आपको बता दिया जाएगा, जो फार्मासिस्ट दुकानें हैं उनको बता दिया जाएगा कि ऐसे न करें। और साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है कि लोग भी हैं चार फिट पे भी गिरेगा जाके वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा, छी कार्य को आप ऐसे भी होता है थोड़ा जिम्मेदार नागरिक बने, ये थोड़ी ट्रेनिंग दें। और छोड़ने चाहिए हर व्यक्ति को, छोड़ने चाहिए सेवा का पैसा है जी। अगर परमिशन हो सर मैं कुछ बात कर सकता हूँ? बोलिए बोलिए सर। मैंने कल एक फेसबुक पर मैं वीडियो बना के डाला था, वो काफ़ी बड़ा हो गया, दो तीन सौ पर नहीं। और छोड़ने चाहिए हर व्यक्ति को, छोड़ने चाहिए सेवा का पैसा है जी। अगर परमिशन हो सर मैं कुछ बात कर सकता हूँ? बोलिए बोलिए सर। मैंने कल एक फेसबुक पर मैं वीडियो बना के डाला था, वो काफ़ी बड़ा हो गया, दो तीन सौ पर नहीं। सेवा साहब मुख्य तौर पर इसके क्या सिम्टम्स और क्या प्रिकॉशन बरती जाए? सिम्टम इसमें वही है जो फ्लू में अन्य फ्लू में होते हैं, खांसी जुकाम बुखार बदन में दर्द सिर में दर्द, किसी भी दूसरे फ्लू से आप इसको सिम्टम के आधार पर नहीं पहचान सकते। केवल उन्हीं सिम्टम्स के साथ यदि कोई ट्रेवलिंग हिस्ट्री या किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने की हिस्ट्री है तब हम इसको सस्पेक्ट करते हैं। सर जब हम भीड़ में होते हैं चिन्हित कर रहे हैं जो ऐसे देशों से यात्रा करके आ रहे हैं अथवा किसी पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के संपर्क में कहीं ना कहीं रह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को खांसते हुए छींकते हुए आप रुमाल का तौलिया इत्यादि का प्रयोग करें, मास्क का भी प्रयोग कर सकते हैं, घर में ही रहें, घर के बाहर ना निकले थे तो आवश्यक होने पर ही निकलें, चाहे साधारण जुकाम ही क्यों ना हो, क्योंकि औरों का आप मिलाएंगे किसी से हाथ ना मिलाएं, एक दूरी रखें, सेफ डिस्टेंस 5 फुट का रखें। तो यदि आपको सामान्य जुकाम भी है तो आपसे दूसरों को नहीं होगा, इसी तरह H1N1 या स्वाइन फ्लू इसी तरह कोरोना वायरस। जिनकी यात्रा करने की हिस्ट्री थी ट्रेवल हिस्ट्री चाइना सिंगापुर हांगकांग इटली ईरान वगैरह जिन देशों में इसका प्रकोप है, तो उसमें भी 49 लोगों को 28 दिन तक हम लोगों ने निगरानी में रखकर कोई लक्षण नहीं पाया गया, अब वो निगरानी के बाहर हैं। 5 व्यक्तियों में लक्षण पाए गए थे जिनके सैंपल भेजे गए वो सभी निगेटिव आए, 10 और व्यक्ति हैं जो अभी निगरानी में हैं, उनके 28 दिन पूरे हो जाएंगे, उनको भी निगरानी से मुक्त कर दिया जाएगा। हमारे जनपद में किसी प्रकार का वर्तमान में कोरोना वायरस का कोई केस नहीं है, कोई पुष्टि नहीं। क्या क्या इंतजाम किए गए? जिनकी यात्रा करने की हिस्ट्री थी ट्रेवल हिस्ट्री चाइना सिंगापुर हांगकांग इटली ईरान वगैरह जिन देशों में इसका प्रकोप है, तो उसमें भी 49 लोगों को 28 दिन तक हम लोगों ने निगरानी में रखकर कोई लक्षण नहीं पाया गया, अब वो निगरानी के बाहर हैं। 5 व्यक्तियों में लक्षण पाए गए थे जिनके सैंपल भेजे गए वो सभी निगेटिव आए, 10 और व्यक्ति हैं जो अभी निगरानी में हैं, उनके 28 दिन पूरे हो जाएंगे, उनको भी निगरानी से मुक्त कर दिया जाएगा। हमारे जनपद में किसी प्रकार का वर्तमान में कोरोना वायरस का कोई केस नहीं है, कोई पुष्टि नहीं। क्या क्या इंतजाम किए गए? चिन्हित कर रहे हैं जो ऐसे देशों से यात्रा करके आ रहे हैं अथवा किसी पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के संपर्क में कहीं ना कहीं रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को